स्टेप बाय स्टेप ये है कि पहले आप पेज पे आ जाए और पेज पे आप देख ले पेज सेटिंग। पेज सेटिंग पे जब आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे जर्नल मैसेंजर इन्फो इस पे मैसेजिंग पे क्लिक करें। जब आप मैसेजिंग पे क्लिक करें तो आपके साथ ये विंडो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लें कि ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट वो किस तरह ऐड करना है। यहाँ पे गेट स्टार्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है, गेट स्टार्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट और नेक्स्ट आप अपना कस्टम कलर भी देख सकते हैं। सही, यहाँ से जो इसकी ये कलर है ना उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। और फिर जी यहाँ पे आप क्या लेना क्या दे सकता है, एड वेबसाइट डोमेन नेम। आप यहाँ पे अपना वेबसाइट डोमेन नेम दे सकते हो जो आप जो मैसेंजर है वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं इसके जरिए। मैंने पहले से अपना वेबसाइट जो हमारा वेबसाइट है डिगी स्केल विद गौहर पर की, ये जो हमारा वेबसाइट है नेट स्लो है इसी वजह से ओपन नहीं हो रहा, टाइम लगेगा इस पर। ये हमारा वेबसाइट है, मैंने उस यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। सही है, यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट किया और सेव किया, सेव सक्सेसफुली। फिर आप ये जो कोड है इसको कॉपी करें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कोड कॉपी हो गया और इसको फिनिश कर दे। ये फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर सेटिंग अप द चैट प्लगइन। जो चैट प्लग है वो अपने ब्लॉग में किस तरह लगाते हो ये तरीका मैं समझाऊंगा आप लोगों के लिए। आप ज़रूर हमारी वीडियो एंड तक देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। आप मेरे ये ब्लॉग है ये हमारे साथ ब्लॉग ओपन हो गया। सही है, आप यहाँ पे एड गेटेड पे क्लिक करें और यहाँ से आप HTML JavaScript एक गेटेड ऐड करें। सही है, ऐड हो गया। जो मैंने वहां से जो कोड कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे लिखो कॉन्टेक्ट ऑन मैसेंजर या चैट जो भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पे सेव करो। हमारे साथ ऐड हो गया कॉन्टेक्ट ऑन मैसेंजर ऐड हो गया और इसको रिफ्रेश करूंगा। नेट स्लो है इसी वजह से सही काम नहीं कर रहा। जी फ्रेंड्स, पेज मैंने रिफ्रेश किया था और अब यहाँ पे चैट मैसेंजर वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली आ गया और आप यहाँ से चैट ज़रूर कर ले। ये देख ले, ये चैट मैसेंजर है,
अगर कोई वेबसाइट बना रहे थे और उसका यहाँ पे चैट नहीं है, तो आप ज़रूर यहाँ पे चैट मैसेंजर लगा रहे, ताकि आसानी के साथ लोग आपके साथ रहते में हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अपने ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, शुक्रिया।